नमस्कार, मैं कनक। आप देख रहे हैं सीजी लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। पद जाते ही सीबीआई करेगी पूछताछ, बोले रिटायर होने दो फिर बताऊंगा क्यों हुए 4 बार तबादले। अपने बयानों से भाजपा और केंद्र सरकार को घेरने वाले मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक 75 दिन बाद यानी 30 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद सीबीआई उनसे पूछताछ कर सकेगी। कई लोगों को लगता है कि रिटायरमेंट के बाद मलिक साइडलाइन हो जाएंगे, लेकिन वे चुप बैठने वाले नहीं हैं। रिटायरमेंट के बाद वे आंदोलनों से जुड़ेंगे, जनता के मुद्दों को अपने अंदाज में सीआईसी तरीके से उठाएंगे। बीजेपी सरकार के पिछले 8 साल के कार्यकाल में सत्यपाल मलिक ऐसे पहले राज्यपाल रहे हैं जिनका 4 राज्यों में तबादला किया गया। अपने बयानों से लगातार सुर्खियों में बने रहे, मौका मिला तो बीजेपी और केंद्र सरकार की आलोचना से भी नहीं चुके। जब सत्यपाल मलिक बिहार के राज्यपाल थे, राजस्थान के बाड़मेर जिले के पत्रकार दुर्ग सिंह राजपुरोहित को SC ST केस में गिरफ्तार करके पटना ले आया गया था। तब पत्रकार ने सत्यपाल मलिक पर गंभीर आरोप लगाए थे कि मलिक के प्रभाव के चलते उसे फर्जी SC ST केस में फंसाया गया। इस मामले में इतना तूल पकड़ लिया था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जांच के लिए आदेश देना पड़ा था।